फूल मोहब्बत का यहाँ खिल जाए, एक फूल मोहब्बत का यहाँ खिल जाए, रिश्ता हुआ ये जख्म जरा सिल जाए, महफूज रहे इस तरह दोनों की मगर लाहौर से दिल्ली की गली मिल जाए। फूल मोहब्बत का यहाँ खिल जाए, रिश्ता हुआ ये जख्म जरा सिल जाए, महफूज रहे सरहद दोनों की मगर लाहौर से दिल्ली की गली मिल जाए। अगर एक काफरा कूड़ा ना फेंके सरवरे दीन पर, हमारे जमाने में एक कूड़े के रिवाज थे, हमारे निसाब में थी, अब वो कभी निसाब में नहीं पड़ा जिसमें कूड़ा फेंके थे काफरा। अगर एक काफरा कूड़ा ना फेंके सरवरे दीन पर, तो नबियों के नबी उसकी अयादत को चले जाएं, तो नबियों के नबी उसकी अयादत को चले जाएं। वो होगी सुन्नत होगी पैगंबर की, लेकिन हम समझते हैं वो सुन्नत होगी पैगंबर की, लेकिन हम समझते हैं कि एक शिया को मारे और जन्नत में चले। तो बहरहाल ये तो ऐसे शासकीय एक और पाँच जुलाई को जब माशाल्लाह लगा, हाँ, एक शिया को मारे और जन्नत में चले। तो ये 5 जुलाई 77 में जब ज़्यादा कर रहा था, तो हम कराची में तो बहुत सारे खुश भी थे दोस्त वगैरह, जो पोलिटिकल उसमें थे 9 से 12 में वो खुश थे थोड़े बहुत। तो उस पर मुझे हम भी इतफाक से कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से हमारा जो हमारी तौर पर ताल्लुक हो गया था बलोची स्टूडेंट फेडरेशन से था। हम यूनिवर्सिटी में बलोची स्टूडेंट बलोच नस्ले भी थे, और मुझे उस वक्त के साथ ही नीम खान बलोच, शकील बलोच वगैरह सब कई बलोचों का एक सर्किल था। फिर 74 में जब हम बलोचों के खिलाफ वो मूवमेंट हुई, तो उस जमाने में एक नजर गई थी बलोचों के लिए कि और इंडिया क्वेश्चन में उस पर डेलू कश्यप ने अमेरिका ने अपना बड़ा बेस बनाया था, लेकिन अभी भी है कंट्रोल खो ले लिया। तो उस समय तो हमारी मोरी तो शहर हुकूमत रखा हो यहाँ से, सुन सको तो सुनो, बहरे हिंद अपनी लहरों से सरगोशियां कर रहा है। सुन सको तो सुनो, बहरे हिंद अपनी लहरों से सरगोशियां कर रहा है, कल किसी वक्त भी इन्हीं साहिलों पर बजेगा बिगल मौत का, मौत जो जिंदगी की है दुश्मन। कल किसी वक्त भी एक माचिस की तीली से सारी फजा बन के आतिश शिशा कर पड़ेगी, बस्तियां राख का ढेर हो जाएंगी। सुन सको तो सुनो, बहरे हिंद अपनी लहरों से सरगोशियां कर रहा है, लेकिन इन सरगोशियों से परे घाट पर अपनी पग रख के एक बूढ़ा बलोच घाट पर अपनी पग रख के सोया हुआ है, जिंदगी ख्वाब बनकर उसे लोरियां दे रही है, रात का आखिरी पहर है, कल का सूरज नमूदार होने से पहले साजिशों का गला घोट दो मौत का रास्ता। लेकिन 5 जुलाई को जेनिवा तो हम कुछ करने गए थे, वो कुछ और गया था, तो उस वक्त था 5 जुलाई को। तुम समझते हो आंखों पे एक सब जैनक लगा कर ये बेसर का मैदान सरसब्ज शादा हो जाएंगे। तुम समझते हो आंखों पे एक सब जैनक लगा कर ये बेसर का मैदान सब सरसब्ज शादा हो जाएंगे, आस फसलें खजा का लिबास अपने जिस्मों से यूं नोच लेंगी कि जैसे कोई सूखा पत्ता हवाओं के बेरहम झोंकों के हाथों वजूद अपना खो बैठता है। वजूद अपना ये तो मुमकिन नहीं दोस्तों साथियों, एक बोसीदा दीवार की ओट में छुप गई है जो ये चांदनी छीन लो, जिंदगी हक तुम्हारा है तो मौत से जिंदगी छीन लो। ये शायरी थी। तो मैं आखिर में एक छोटी सी
जूम वाले पढ़ देता हूँ आशिकाना है तो उसमें होनी जरूरी है आशिकी आशिकी तो बुनियादी चीज़ें खैर ये सभी भी कहते हैं पढ़ देता हूँ मुख्तसर कि देखूँ जो आसमान से तो इतनी बड़ी जमीन देखूँ जो आसमान से तो इतनी बड़ी जमीन इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान छोटे से एक मकान में कच्ची जमीन का सहन कच्ची जमीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल उस दिल की वो सतहों में कहीं खो गया हूँ मैं यूँ है कि इस जमीन से बड़ा हो गया याद एक शख्स की मिलने का बदल कैसे हो याद एक शख्स की मिलने का बदल कैसे हो सूखे तालाब की बाहों में कान कैसे याद एक शख्स की मिलने का बदल कैसे हो सूखे तालाब की बाहों में कान कैसे हो दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका हम से दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका हम से सिर्फ लफ्जों के बरतने से गजल दर्द से कोई ताल्लुक न इलाका हम से सिर्फ लफ्जों के बरतने से गजल कैसे हो सिर्फ लफ्जों के बरतने से गजल कैसे हो सूरत हाल बदल जाती है सिर्फ लफ्जों के बरतने से गजल कैसे हो हर मुलाकात अधूरी रही इस उलझन में हर मुलाकात अधूरी रही इस उलझन में यानी इजहारे मोहब्बत में पहल कैसे